तो कैसे हो भाई लोगों, आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार आ चुका मैं फ्री फायर का एक खतरनाक जबरदस्त आग से दहलता हुआ गेम प्ले लेके आप सभी के लिए। तो बस आज देखना भाई लोगों की क्या ही एनिमीज की बारिश होती है। एक वहां पे जा रहा है और एक वापस आ रहा है, तो इसको देखना रे। कहीं ये भाई सब शॉर्ट गन लेके आया था मेरे पे रश करने, लेकिन जानता नहीं कि भाई अंबुजा सीमेंट से बने हुए आसानी से नहीं टूटेंगे। वहां पे से एक बंदा झाक के वापस चला गया, ये करना क्या चाहता है भाई? वापस आएगा क्या? लग तो नहीं रहा कि वापस आने वाला है वो। तो हम ही थोड़ा सा यहाँ से रोटेशन मार लेते हैं, लग रहा है वो किसी और से बढ़ गया। जहां भी जाएंगे अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। कोबरा गैंग की जय हो। ओ भाई, ये भाई साहब स्नाइपिंग कर रहे हैं वहां क्रोनो की पावर लेके। ओ इधर से भी पीछे से भी आ गया ये बंदा। हर जगह ही बंदे हैं यहाँ पे तो। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, थोड़ा हील मारते हैं और उसके बाद ये आ गया और इनको लेटाते। ओ अबे ले, ओ भाई ये भाई क्या ही तेज तर्राट करके आ रहा था भाई। ये तो खतरनाक बंदे हैं इधर कुछ ज्यादा ही, बिना सोचे आग बंद करके कहीं भी घुस जा रहे हैं बस बंदूक लेके। तो यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी बंदूक लेके कहीं भी घुस जा रहे हैं और घुसा भी दे रहे हैं। कहीं मुंह में डाल के चलाना दे, नहीं तो वन टैप लग जाएगा। तो थोड़ा सेफली खेलना पड़ेगा यहाँ पे। और पहले एनिमीज को देख लेते हैं किधर पे। और आई थिंक मुझे दिख गया वो, तो रुको बेटा अंदर नहीं। ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक पेला हूँ इसको, साला अंदर जाने ही वाला था और उसके अंदर जाने से पहले उसके पिछवाड़े में चार गोली लग गई और वो वहीं पर टपक गया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, शायद एक बाहर भी घूम रहा है हमारे एनिमी। कंटिन्यूसली साउंड तो आ रहा है, अब देखते हैं ये किधर साइड है। किधर भैया? एक ये मेरा पेंगुइन कहीं भी दौड़ता रह जा रहा है। बहुत नचा यार। ओ भाई साहब क्या ही छुपा बंदा था भाई ये, क्या ही छुपा बंदा था। साइड से देख रहा था कि कब मैं आऊंगा सामने की ओर और ये मार देगा मेरे को शॉटगन से। मतलब कि गजब के बंदे हैं भाई, ऐसे छुप के कोने में खड़े रहते कि पता भी नहीं चलेगा कि आएंगे कब और मार कब देंगे। सूत्री के चील की निगाह है मेरी। तो यहाँ पे थोड़ा लोड पार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आगे आता हूँ और पीछे से पता नहीं कौन पागल यार सेलोमोन भाई बन के आ रहे हैं मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए। वो भाई लेकिन अपनी गोल्डन कार दिखाने की जगह थोड़ा अच्छी ड्राइविंग सीखी होती तो शायद बच जाता, लेकिन अब मेरे ऊपर चढ़ाए तो हर जाना तो लगाना ही पड़ेगा इसके सर को फोड़ के। लेकिन यहाँ पे भाई साहब कोई जुड़वा भाई मेरा पहले से बैठ के मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन हमने उसको भी लेटा दिया है यहाँ पे। और बस वो कार वाले बंदे को अब धोना बाकी है। तो किधर गए भाई साहब? ओ बाहर से कोई फायरिंग कर रहा है, शायद वो फाइट ले रहा है किसी से। लेकिन ओ क्रोनो की पावर है इन भाई साहब के पास। शिट यार वो आगे निकल गया वहां पे से, घर पे आया। अरे अरे ओ ओपी, क्या ही खतरनाक पेला हूं मैं उसको। बेचारे को समझ में ही नहीं आया कि कहां से लग रही हो उसको। यही होता है जब तुम बिना ईयरफोन के खेलते हो कोई भी बैटल रॉयल या शूटिंग गेम, तो प्लीज ईयरफोन लगा के खेलो, नहीं तो ऐसे ही कोई पेल। ओ, ओ ये भाई साहब अभी पेला हूं और ये खड़े होके यहाँ पे कर क्या रहे हो? बेचारा इसको भी पता नहीं चला। तो यहाँ पे इनको देते हैं वन टैप। ओ भाई साहब अब इसे कहते हैं ना खतरनाक शॉट। तो भाई लोग जिस जिसको यार ये शॉट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज। और यहाँ पे सामने से मैं जाता हूँ गाड़ी से, लेकिन यहाँ पे एक बंदा मुझे पहले ही धोने लगता है, तो उसको शायद पता नहीं कि ओ भाई ये तो काफी प्रो लग रहा है भाई, ये ग्रेनेड वगैरह कुक करके फेंक रहा है मेरे को। थोड़ा हील मारते हैं और फिर इसकी भी बजाते हैं हम। वो जा रहा है, कहाँ जा रहे हो भैया? तुम भी लेटो। ओ भाई साहब ये क्या लेके रखा था मुंह में ग्रेनेड डालने की कोशिश।
नाकाम हुई। और इन भाई साहब को भी लेटाने के बाद हम थोड़ी दूर और चलते हैं, वहाँ पे मेरे को ग्लू वॉल दिख रहा है, शायद यहीं पे बंदा हो सकता है, तो देखते हैं। ओ भाई रीलोडिंग की स्पीड, और मैं अभी ठुक गया रे, अब पीछे से मारियो नहीं। ओ भाई साहब जान बची तो लाखों पाए, लेकिन ये भाई साहब, ओ भाई मर नहीं रहा ये भाई यार, क्या ही खतरनाक। ओ कोई पीछे से भी मारने लग गया मेरे को, यहाँ तो बंदे आना बंद ही नहीं हो रहे आज के मैच में, क्या ही खतरनाक गेम प्ले है ये। मतलब कि जहां भी जा रहा हूं वहीं पे पांच पांच बंदे इकट्ठा ही आ जा रहे हैं मेरे ऊपर। अब इसको कैसे भी करके इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। ओहो पहले ही फट गया, थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि और जगह से भी फायर आया। ओ उधर भी फायर कर रहा है, कोई फाइट ले रहा है शायद, तो इसी बीच हम फायदा उठा लेते हैं। एक बच गया है, एक को तो निपटा दिए। कहाँ है बंदा उसका, और एक पीछे वाला भी है, अभी भी छुपा हुआ है क्या ग्लू वॉल के पीछे, शायद नहीं है, निकल गया वो कहीं। यहाँ भी अपनी कोबरा गैंग का छाप छोड़ देते हैं, हमेशा कोबरा छाप के ही पटाखे जलाएं। कोई तो देख जा, इधर साइड का एक बंदा था यार, किधर गया ये, शायद नहीं है, वो कहीं और चला गया या फिर उस बंदे ने निपटा दिया उसको। यहाँ पे चलते हैं हम आगे की ओर, छह बंदे अलावे जिसमें से मैं भी एक हूँ, और हमारे हो चुके हैं 10 किल। तो भाई यार पांच बंदे और मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा, खतरनाक गेम प्ले बन जाएगा अपना। तो देखते हैं कि यार अपनी किल की भूख मिटाने कहीं तो चलना पड़ेगा, वहाँ पे ड्रॉप दिख रहा है तो ड्रॉप के पास ही चलते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे देख लेते हैं शायद इस पर कुछ मिल जाए हमें ग्लू वॉल। ओके ये ले लेते हैं, ओके ओके ओके। तो थोड़ा अपनी बैक पैक भर लिया है हमने, अब थोड़ा चलते हैं वहाँ पे ड्रॉप के पास, देखते हैं शायद वहाँ पे कोई एनिमी हमें देखने के लिए मिल जाए। ओहो कोई नहीं है इधर, ये कौन उड़ा रहा है भाई ड्रोन, हम पे नजर रखी जा रही है गाइस, लेकिन हमने उसके क्या बोलते हैं उसको ड्रोन को हिंदी में, कौन सा हवा में वायुयान रथ, हवा में उड़ने वाला कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा मुझे फाइनली दिख गया है, और ये निंजा हथौड़ी बहुत ही तेजी के साथ भाग रहा है, लग रहा है कि भाग जाएगा क्या, अब किधर गायब हो गया। ओ वो दिखा मेरे को, ओ भाई साहब क्या ही भाग रहा है भाई ये, अबे जंपिंग जपाक करना बंद कर गूलर, साला मेढक की तीसरी औलाद। इसके ऊपर ग्रेनेड फेंकता हूं, ये पैनिक होके बाहर आया। ओ भाई ये गजब का ग्रेनेड शॉट, जिसको जिसको भी अच्छा लगा यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। और बच्चे हुए हैं 3 बंदे और बस इनकी कहानी भी मैं ही लिखने वाला हूँ अगर वो मेरी मार नहीं ले तो। तो देखते हैं, पहले तो इनको ढूंढते हैं कि ये हैं किधर, अभी तो जोन काफ़ी बड़ा है। और ये बंदा मेरे को दिख गया भागता हुआ, कहाँ भाई साहब कहाँ निकल रहे हो तुम, ओ हो इससे कहते हैं जबरदस्त साथ। 2 बंदे और, क्या मैं उन 2 बंदों को मार पाऊंगा या वो 2 बंदे मेरी मार लेंगे, मतलब मुझे मार देंगे। देखते रहिए जानने के लिए कि क्या होगा आगे, बस थोड़ा और जोन छोटा होने का। ओ वो दिखा मेरे को एक बंदा मुझे मारने की कोशिश, स्नाइपर से मार रहा है। ओ भाई क्या ही गंदा मार रहा हूं इसको, बेचारा हाफ HP कर दिया था मेरी, बस एक शॉट और लग जाता शायद मैं मर सकता था अगर हेडशॉट लगता तो, बस एक और किल और बूया हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं कि ये किल मैं कर पाता हूं कि नहीं, या फिर वो बंदा मेरे को मार देगा। ओ भाई मुझे पता नहीं चला कि अभी भी वो किधर से मार रहा है मेरे को। ओके मैं जान चुका हूं, अपनी लोकेशन रिवील कर दिया है वो, और अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन वो काफ़ी दूर है मुझसे,
तो पहले तो ये ग्रेनेड लॉन्चर से वो उस पर थोड़ा ग्रेनेड फेंक के देखते हैं, शायद चला जाए। चला जा, ओके थोड़ा दूर जाके गिरा। एक और ट्राई करते हैं। हाँ नहीं हो रहा, कैसे मारूं मैं इसको, कैसे मारूं, SBS से मारता हूँ। ग्लू वॉल लगा लिया हरामखोर ने, लेकिन जोन मेरे फेवर में है तो उसको कुछ भी करके मेरे पास तो आना ही पड़ेगा एक ना एक वक्त के पास, लेकिन इतना टाइम नहीं है, इसको पहले दे देते हैं। वो हल्का सा शॉट लगा इसको, ये एक लास्ट ग्रेनेड लॉन्चर से मारा, एक और बुलेट बची हुई। अच्छा, और यहाँ पे मेरी पिंग भी हाई हो जा रही है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। थोड़ा सा तो लग जा यार, पैर में क्यों नहीं लग रहा ये ऑटो एम कैसा। एक अच्छा ठीक है, 59 का डैमेज मिल गया उसको। भाई साहब वो निकलने का नाम नहीं ले रहा, वहीं वहीं पे ग्लू वॉल लगाया जा रहा, कैसा नूबड़ा है ये भाई, बाहर आ जाए, इससे अच्छा तो आगे लगा लगा के आ जाता अभी तक मेरे पास। ये कर क्या रहा है, अपने ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा है। ओ भाई बेचारा, जोन उसके फेवर में नहीं था, शायद इसलिए मैं उसकी अच्छी खासी कुटाई कर पाया, इतनी इजीली फेल पाया उसको। तो जिसको जिसको ये मैच अच्छा लगा हो यार, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलता रहूंगा ऐसे ही खतरनाक ओपी गेम प्लेस के साथ फिर किसी दिन। तब तक के लिए सावनारा।